काफी सारे लोगों को मैं ओपीडी में देखता हूँ जिसको अच्छा नहीं हो रहा है। बता तो मैं रहा हूँ कि 80 से 90% को अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ ओपीडी में काफी सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका फिशर फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। मल त्याग करने के टाइम यदि आपको बहुत ही ज्यादा तेज भयानक दर्द हो रहा है और ये दर्द इतना ज्यादा है कि आप इसको सहन नहीं कर पा रहे हो, और जब आप चेकअप कराते हो और आपको पता चलता है कि आपको फिशर है यानी चीरा हो गया है, एनस के जगह पे तिराड़ बन गई, क्रैक बन गई या फट गया है, जिसको हम फिशर बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये फिशर में अधिकतम लोगों को अगर ये प्रॉब्लम एक्यूट है यानी जस्ट रिसेंट आपको प्रॉब्लम हुआ है कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, तो ऐसा हो सकता है कि 80 से 90% लोगों को बिना ऑपरेशन से, जी हाँ बिना ऑपरेशन से अच्छा हो जाए। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को मैं ओपीडी में देखता हूँ जिसको अच्छा नहीं हो रहा है। बता तो मैं रहा हूँ कि 80 से 90% को अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ ओपीडी में काफी सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जी हाँ मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, मैं क्वालिफाइड जनरल सर्जन हूँ, पाइल्स फिशर और फिशुल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। चलिए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका फिशर फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अगर 80 से 90% लोगों को आराम हो सकता है तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है या ऐसी कौन सी गलती है जिससे आपको अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो है, ये पूरा वीडियो देखने से आपको फिशर के इलाज में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने की आशा रहेगी। तो दोस्तों ऐसी 6 गलती मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ 6 मिस्टेक्स। ये 6 गलती अगर आप कर रहे हो इसमें से कोई भी एक, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स बराबर नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको चेकअप करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका डायग्नोसिस फिशर है कि नहीं। अगर फिशर है फिर भी आपको अच्छा नहीं हो रहा है तो एक कौन सी 6 गलतियां है, एक के बाद आपको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहली गलती जो मैं देखता हूँ कि क्रीम मलम लगाना। यदि बहुत बार फिशर की कंडीशन में मलम बहुत बार पाइल्स की देते हैं या फिर क्रीम देते हैं लेकिन बराबर लगा नहीं पाते, जो एनस का रास्ता है उसके बाहर के सर्कल आउटर सर्कल पे लोग क्रीम लगाते रहते हैं, बाकी फिशर की तकलीफ थोड़ा सा एनस के सेंटर पॉइंट पे या हल्का सा 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर अगर आप मलम लगा पाते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यानी टेक्निक प्रॉपर अगर करते हो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वरना इम्प्रॉपर टेक्निक में आपको रिजल्ट कम मिलेगा। सेकेंड जो गलती है कि यही क्रीम जो हम लगा रहे ये थोड़ा सा आराम हो गया और हम 3-4 दिन में बंद कर देते। काफी सारे लोग मरीज ये मलम बराबर लंबे समय पे नहीं लगा पाते क्योंकि उनको बताया नहीं गया। तो अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको क्रीम लगाने से आराम मिल रहा है, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है, तो ये क्रीम अगर आप 21 डेज यानी एटलीस्ट 3 हफ्ते लगाते हो तो आपको अच्छा हीलिंग मिलेगा और आपको वापस ये बार बार होने की शक्यता कम रहेगी। थर्ड गलती जो बात कर रहे हैं वो डाइट। बहुत बार लोग डाइट फॉलो करते हैं लेकिन वो इतने स्ट्रांग तरीके से नहीं करते, थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक्स होती रहती है। तो डाइट बराबर फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि डाइट में आपका थोड़ा सा ऊंच नीच हो रही है, कभी कभार ब्रेड पिज्जा चीज बर्गर मिर्ची मसाला थोड़ा भी जा रहा है तो आपको रिजल्ट तुरंत ड्रॉप हो जाता है, वापस पेन शुरू हो जाता है। तो ये 21 डेज तक डाइट भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। चौथा है कि डाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी आपको 21 डेज तक रखना है। अगर आप 5-7 दिन डाइट फॉलो करते हो, आराम मिल गया, वापस आप डाइट रिज्यूम कर लेते हो नॉर्मल डाइट, तो बहुत बार वापस आपको तुरंत तकलीफ होती है। तो एटलीस्ट आप ये जो डाइट फॉलो करो वो भी 21 डेज तक आपको टाइम देना है, जिससे आपको पता चले कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है कि नहीं। पांचवी गलती जो है वो है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि पेट साफ बराबर हो रहा है और पेट साफ करने की दवा बहुत बार नहीं ले पाते या नहीं ले रहे। तो ये जो स्टूल सॉफ्टनर्स है, सिरप्स है, इसबगुल पाउडर है या फिर सिरप है या पाउडर्स है, जिससे पेट साफ करने में अगर संडास मल जो नरम होगा तो संडास की जगह खरोच कम होगी। तो ये अगर आप बराबर नहीं ले रहे हो तो इसको लेना चालू कर दीजिए, और यदि बराबर ले भी रहे हो तो फिर आपको ऐसी डोज ऐसी मात्रा में लेने जिससे स्टूल एकदम लिक्विड भी ना आए और एकदम हार्ड भी ना आए, क्योंकि हर एक इंसान का कॉन्स्टिपेशन का सिवियरिटी अलग अलग रहता है। किसी को कब्ज बहुत सिरप लेते तो भी नहीं मिटता है तो उसको थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को थोड़ा भी सिरप ले लेते या पेट साफ करने की दवा लेते और डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो फिर ऐसे केसेस में भी आपकी फिशर की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो लिक्विड स्टूल भी नहीं आना चाहिए और एकदम हार्ड स्टूल भी नहीं आना चाहिए। आपका टारगेट है सॉफ्ट स्टूल
एक से दो बार दिन में, तो वो डोज आपके लिए सही है। तो डोज आपको लेना है और ऐसी मात्रा में लेना है जो आपके बॉडी को सूट हो। सिक्स्थ जो कॉमन गलती है वो है पेन किलर्स या मेडिसिंस। काफी सारे लोग दर्द को सहन करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमको ये दर्द कम करने की दवा नहीं लेनी है। दर्द आप सहन तो कर लेते हो लेकिन जो मल द्वार का जो रास्ता है वो दर्द के कारण टाइट रहता है। अगर पेन कम है तो रिलैक्स रहेगा लेकिन अगर पेन ज्यादा है तो पेन के कारण टाइट रहेगा। जैसे कि कंधे पे कोई मुझे आज मारता है तो मैं इसे टाइट कर देता हूँ और जब पेन कम हो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है। तो अगर ये एरिया रिलैक्स रहता है, इनर स्पाज्म ब्रेक हो जाता है, तो इधर ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा और जो खरोच है, जो फिशर है, उसको जब ब्लड अच्छा मिलता है, बराबर मिलता है, तब ये हील होता है। तो ये पेन की मेडिसिन से, गर्म पानी की सिकाई से या फिर आइस यानी ठंडे पानी की सिकाई से इस पेन को आपको कम करना है, और हो सके तो पेन किलर्स थोड़े दिन तक लेना है जिससे आपका पेन कम रहेगा, इनर स्पाज्म ब्रेक होगा तो ये फिशर हील होगा। तो पेन को बर्दाश्त करने के बजाय आप ये पेन को कम कर दे तो मेडिसिन से, तो आपका फिशर जल्दी हील होने की संभावना है। तो ये थी कुछ कॉमन गलतियां, काफी सारे पेशेंट्स फिशर के जिसको ठीक नहीं होता, इसमें से 6 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए, इसमें से यदि कोई एक पॉइंट आपको आपके ध्यान में आ रहा है तो इसे जरूर फॉलो कीजिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, और आपकी फिशर ट्रीटमेंट में आप क्या फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।